दोस्तों दिल्ली के अंदर 2021 में रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी फुटेज में दो आदमी सड़क पर गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर एक हैरतअंगेज घटना घटती है जिसे अगर आप इस वीडियो में नहीं देखते तो शायद आपको इस बात पर कभी भी यकीन नहीं हो पाता। इस वीडियो को जूम करके देखें तो हमें यहाँ तीन आदमी दिखाई देंगे, लेकिन वो तीसरा व्यक्ति कौन था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वो नीचे गिरे हुए व्यक्ति के अंदर से निकला और उसने सामने उस व्यक्ति को धक्का दिया और फिर से वापस उसी व्यक्ति के शरीर में समा गया। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई खौफनाक घटनाएं दिखाएंगे, जिन्हें अगर आप इस वीडियो में नहीं देखते तो शायद आपको कभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो पाता कि क्या सच में ऐसा भी दुनिया में हो सकता है। तो चलिए आज आपको एक खौफनाक सफर पर ले चलते हैं। इस चर्च के अंदर कोई घुसना चाहता है, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है कि आखिर वो है कौन। कुछ समय पहले ही वायरल हुई इस फुटेज को पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने बताया कि एक दिन रात के समय जब वो एक चर्च से गुजर रहा था, तभी उसने वहां चर्च के कांच से बने दरवाजे को कागज की तरह फड़फड़ाते हुए देखा। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर गया और फिर उसने इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। और यहाँ पर ना ही कोई हवा चल रही थी और ना ही कोई इस चर्च के दरवाजे पर मौजूद था। ऐसे में वीडियो को देखने वाले शख्स ये मान रहे हैं कि कोई शैतानी शक्ति इस चर्च के घुसना चाहती है। तो दोस्तों आपको ये देखकर क्या लगता है, क्या यहाँ पर एक शैतानी शक्ति वाकई में ही इस घटना को अंजाम दे रही है, या फिर ये वायरल होने के लिए किया गया एक स्क्रिप्टेड मजाक है? ये बात हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इस कब्रिस्तान के अंदर से आधी रात में बार बार किसी के रोने की आवाज सुनाई आ रही थी, तो फिर ड्रोन कैमरे से ये पता लगाने की कोशिश की गई। फिर उस ड्रोन कैमरे में कुछ ऐसा देखने को मिला। ड्रोन में लगे कैमरे के अंदर एक कब्र के पास बैठा कोई दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही कैमरा उसके पास जाने लगा वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। ये देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये कोई इंसान था जो किसी अपने की कब्र पर आकर रो रहा था, या फिर ये खुद मरा हुआ था जो ऐसे इस कब्र पर रो रहा था?